बहुत अच्छी बात है, नेकानी बहुत अच्छी बात है। क्या आप अपने लिए एक बजट रेंज में प्रीमियम एसयूवी सर्च कर रहे हो तो एकदम सही जगह आ गए हो। अभी अपने साथ में है किया सेल्टॉस का एसटीके प्लस वेरिएंट। ये कार जो है सेगमेंट में एकदम किलर है, कड़ी टक्कर दे रही है क्रेटा को। भाई क्रेटा लोगे या फिर सेल्टॉस लोगे तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में इस कार का मैं डिटेल वॉकराउंड करने वाला हूँ और इस कार के फीचर्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ क्या कुछ कंपनी ऑफर कर रही है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है, बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष स्वागत करता हूँ आपका टेक्निकल एसएसटी यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके कलर की। इसमें आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाएंगे। अभी अपने साथ में इसका BMW वाला ब्लू कलर है, यानी कि जो करोड़ों में कलर हमें मिल रहा है वो अब 16-17 लाख में मिल जाएगा। कंपनी अपनी इस कार के साथ में दो चाबियां ऑफर करती है, ये दोनों अभी अपने साथ में है। ये देखिएगा किया की ब्रांडिंग है। दो रिमोट हमें मिल जाते हैं, यहाँ पर चार फिजिकल बटन्स मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक एंड ये होल्ड एंड ये बूट ओपन करने के लिए। ये लॉक अनलॉक, एक चीज़ नोटिस करो, इसके ORVM ना तो फोल्ड हो रहे हैं ना ही अनफोल्ड हो रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं इसके डायमेंशंस की। इसकी लेंथ है 4,365 mm की, विड्थ है 1,800 mm की, हाइट है 1,645 mm की। इसमें ग्राउंड क्लीयरेंस 190 mm का मिलता है और इसमें व्हील बेस मिलता है 2,610 mm का। ये है इसकी प्रॉपर फ्रंट प्रोफाइल, आइए पास से दिखाता हूँ। सेंटर में किया का लोगो मिल जाता है। हेडलाइट इसमें हेलोजन बल्ब के साथ में सेटअप दिया गया है। ये देखिएगा प्रोजेक्टर दिया गया है जो कि हेलोजन बल्ब वाला है, हेलोजन है भैया, येलो वाला है। ये DRLs मिल जाते हैं एंड साइड टर्न इंडिकेटर हेलोजन बल्ब में DRL LED में मिलते हैं। यहाँ पर ये देखिएगा कनेक्टेड इसमें ये वाला पार्ट दिया गया है, टाइगर नोज इसको ये लोग बोलते हैं। ये ग्रिल कुछ इस तरीके के पैटर्न में है। यहाँ पर ये पार्किंग सेंसर चार दिए गए हैं, 1, 2, 3, 4, दो साइड में, दो साइड में। ये देखिएगा फॉग लाइट हैलोजन बल्ब के साथ में दी गई है जो कि प्रोजेक्टर है। रेडिएटर ग्रिल, फ्रंट स्किड प्लेट, फ्रंट बम्पर का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। इसके ORVM पर ये देखिएगा इंडिकेटर दिया गया है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है लेकिन ऑटो अनफोल्ड फोल्ड के साथ में नहीं मिलता है। बोनट पर कुछ इस तरीके के एजेस मिलते हैं। ये देखिएगा इसके लुक को काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त बना रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर लुक दे रहे हैं इसको। फ्रंट विंडशील्ड पर ये वाइपर एंड विंडशील्ड का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, फेंडर कुछ इस तरीके का है। इस कार में फ्रंट में MacPherson स्टड विद कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन मिलते हैं। 16 इंचेस के अलॉय व्हील ऑफर किए गए हैं। अलॉयज का पैटर्न कुछ इस तरीके का है। बात कर लेते हैं टायर की, भैया इसमें टायर कौन से दिए गए हैं। सोलस प्रोफाइल देखो, 205/65R16। फ्रंट में डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम, किया की ब्रांडिंग। जो इसका ए पिलर है ये ब्लैक कलर में दिया गया है, ये ब्लू कलर है। ये देखिएगा डोर हैंडल बॉडी कलर में है, रिपकैश सेंसर मिल जाता है, चाबी लगाने का सेक्शन। इसमें रूफ रेल्स दिए गए हैं एंड इसमें पैनारोमिक सनरूफ ऑफर की गई है। ये शार्क फिन एंटीना, वाटर ग्लास, ये देखिएगा डोर क्लैडिंग। बात करते हैं इसके रियर सस्पेंशन की। भाई रियर में कंपनी ने कपल टॉर्सन बीम एक्सल विद कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन लगा कर दिए हैं। एंड रियर में भी सेम प्रोफाइल है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करिएगा, रियर में भी डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम है लेकिन फ्रंट वाला डिस्क बड़ा मिलता है, रियर में छोटा मिलता है। और इसमें लेफ्ट साइड में फ्यूल लिड दिया है, ये देखिएगा 50 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। एंड इस साइज से प्रोफाइल दिखाता हूँ, ये देखिएगा कुछ इस तरीके की है। रियर से प्रोफाइल इसके कुछ इस तरीके की है, सेंटर में किया का लोगो। रियर विंडशील्ड पर वाइपर और डिफॉगर मिल जाता है। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप दी गई है, स्पॉइलर दिया गया है एंड स्पॉइलर ये बॉडी कलर में नहीं, हाँ बॉडी कलर में भाई, मुझे ब्लैक लग रहा था, ठीक है। कनेक्टेड इसमें टेल लाइट, ये देखिएगा ज़बरदस्त इसको लुक दे रही है। एंड साइड टर्न इंडिकेटर देखो भैया, कुछ इस तरीके का मिल जाता है सिस्टम पूरा। यार इधर भी लाइट होती है, मज़ा नहीं आ जाती। इधर ये सेल्टॉस की ब्रांडिंग, इधर ये कुछ भी नहीं है। इधर ये देखो एक कैमरा दिया गया है, पार्किंग लाइट, रिफ्लेक्टर, 1, 2, 3, 4 पार्किंग सेंसर, रियर बम्पर, रियर स्किड प्लेट। आइए इसका इंटीरियर देख लेते हैं। पूरा ब्लैक इसमें इंटीरियर दिया गया है एंड ये देखिएगा ड्राइवर साइड से इसका इंटीरियर,
यहाँ पर ये सभी कंट्रोल बटन्स मिल जाते हैं। डोर हैंडल यहाँ पर ये ट्विटर दिया गया है। यहाँ पर ये देखो एक स्पीकर दिया गया है एंड बोतल होल्डर, इसमें कोई भी अम्ब्रेला होल्डर नहीं है। ये ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टमेंट के साथ में है, रिक्लाइन कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिलते हैं और ये फैब्रिक में दी गई है। नीचे ABC पैडल्स मिल जाते हैं ये फ्यूल लिड ओपन करने के लिए, ठीक है, और ये बोनट ओपन करने के लिए। यहाँ राइट साइड में इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट स्टॉप और ये हेडलाइट को एडजस्ट करने के लिए, AC वेंट, डैशबोर्ड इसका कुछ इस तरीके का है, ये देखिएगा। स्टीयरिंग व्हील का पैटर्न कुछ इस तरीके का है, सेंटर में किया की ब्रांडिंग है, लेफ्ट साइड में मल्टीमीडिया कंट्रोल है, राइट साइड में क्रूज कंट्रोल एंड इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को कंट्रोल करने के लिए सिस्टम। यहाँ पर ये देखिएगा वाइपर कंट्रोल लीवर लेफ्ट साइड में, राइट साइड में लाइट कंट्रोल लीवर। इग्निशन को मैं ऑन करता हूँ, ये बटन प्रेस करता हूँ, कुछ इस तरीके से इसकी मीटर की स्टार्टिंग हो जाती है। फुल्ली डिजिटल मीटर दिया गया है जिसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमें मिल जाती हैं और हम यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखो भैया बहुत इन्फॉर्मेशन है, बहुत। ये रहा इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, ऑल मेनू और यहाँ पर काफ़ी सारी डिटेल जो है अपन को इसमें मिल जाती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ भी है, सभी यहाँ पर बटन मिल जाते हैं इसकी वजह से अपन इनको ज़्यादा ढूंढने डाने नहीं। और ये अच्छी बात है, ये देखो भाई प्रॉपर जो नॉब दिया जाता है ना वॉल्यूम वाला, उसकी बात अलग होती है। यहाँ से FM कंट्रोल कर लो, काफ़ी ज़बरदस्त। डैशबोर्ड इसका कुछ इस तरीके का है, ये देखिएगा, ये को ड्राइवर साइड, इधर ये ग्रैब हैंडल, ये सनसेड और इसमें वैनिटी मिरर भी है। ये इसमें LED लाइट दी गई है, काफ़ी अच्छी बात है। और इसमें पैनारोमिक सनरूफ ऑफर की गई है जो कि एक बार प्रेस करने पर इस तरीके से खुल जाती है और सनरूफ ओपन इतनी होती है, कर्टेन इतना पीछे जाता है और खुलेगी नहीं, और नहीं खुलेगी। ये कर्टेन निकल आया, ये देखो यहाँ से इसको बंद करते हैं, वन टच में दोनों चीज़ें चली। ये पीछे वाली ज़्यादा फास्ट है और फिर आके रुक जाती है कछुए जैसी, खरगोश जैसी। ये देखो इधर AC वेंट, ये पूरा डार्क कलर में इंटीरियर दिया गया है। क्लब बॉक्स देख लेते हैं, कुछ ऐसा है। यहाँ पर दो AC वेंट, हजार्ड लैंप बटन, ये भी ब्लिंक करता है, ये चीज़ अच्छी है इसकी। यहाँ पर AC कंट्रोल सिस्टम, ये देखो ये हाई हो गया, लो कितना जाता है, ये लो 17, मुझे लग रहा है ये 16 तक जाता है। ये डिजिटल AC मिलता है, ये अच्छी बात है यार। AC बंद कर देता हूँ, फ़ैन ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पर ये सभी कंट्रोल्स मिल जाते हैं फ़ैन एंड की स्पीड कंट्रोल करने के लिए। उसके नीचे यहाँ पर ये देखो 12 वोल्ट का पोर्ट, 180 वॉट का यहाँ पर सॉकेट दिया गया है, USB A, USB C, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ गेयरबॉक्स। इधर ये कुछ भी नहीं है, ST के X वाले वेरिएंट में इधर ये व्यू वाला बटन मिल जाता है, ये पार्किंग वाला तो दिया गया है। इधर ये हैंड ब्रेक, इधर ये देखो 2 कप होल्डर्स, ये आर्मरेस्ट दिया गया है जो कि थोड़ा सा सॉफ्ट है, हाँ सॉफ्ट है, और इसके अंदर इतना स्पेस मिलता है भैया, बहुत है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि भैया इसका केबिन कैसा है, चलो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। इसमें लाइट कलर अगर देते तो इसका केबिन जो है थोड़ा और बड़ा लगता, डार्क कलर के होने की वजह से इसका केबिन जो है थोड़ा सा भरा भरा लगता है और रिच फील भी कराता है। ऐसी बात नहीं है कि हाँ लगता है कि मेरी गाड़ी में बहुत सारे फीचर्स हैं, क्योंकि भरा भरा लग रहा है ना इस वजह से। चलो ये तो एक अलग बात हो गई। फैब्रिक सीट इसमें मिलती हैं, काफ़ी ज़्यादा कम्फर्टेबल हैं। लेदर वाली सीट जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम कर जाती हैं भैया, इसमें वेंटिलेटेड सीट्स वगैरह नहीं मिलती हैं। चलो मैंने आपको फर्स्ट रो की जो चीज़ें हैं वो दिखा दी हैं, बाहर निकलते हैं, चलते हैं सेकंड रो में, देखते हैं वहाँ क्या कुछ मिलता है। सेकंड रो इंटीरियर सब कुछ सेम है, ये कुछ इस तरीके से सन ब्लाइंड मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है, अप्रिसिएशन वाली बात है किया के लिए, सभी कंपनी को भी ये देना चाहिए था। ये देखिएगा सेकंड रो का सिस्टम, सॉफ्ट है भैया,
और भैया एक चीज़ मैंने नोटिस की है, ये देखो इसमें हेडरेस्ट नहीं मिलते हैं एडजस्टेबल वाले, दो हेडरेस्ट हैं फिक्स हैं, रियर में कोई भी आर्मरेस्ट नहीं है, थ्री सीट बेल्ट हमें दे दी गई हैं, अच्छी बात है। अंदर बैठ लेते हैं भैया, चलो। यार स्पेस तो काफ़ी ठीक ठाक मिल रहा है यार, कंफर्टेबल भी है, दो एसी वेंट, दो यूएसबी सी पोर्ट दिए गए हैं, बहुत अच्छी बात है नैकानी, बहुत अच्छी बात है। ये देखो डैशबोर्ड इसका कुछ इस तरीके का है, पैनोरामिक सनरूफ बहुत मज़ा देने वाली है, पीछे तक आएगी। इधर ये लाइट दी गई है, ग्रैब हैंडल, ये कोट हुक, इधर ये ग्रैब हैंडल कोट हुक नहीं है लेकिन लाइट इधर भी है, क्वार्टर ग्लास कुछ ऐसा है अंदर से, लग्जरी फील तो करा रहा है। ये देखो सीट बेल्ट इसमें एडजस्टेबल मिलती है, सीट इसकी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, रिलैक्स फील हो रहा है। चलो टेलगेट ओपन करते हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ भैया, इसमें पार्सल ट्रे नहीं है, आपको शायद एज एसरीज लेनी पड़ेगी, अगर होती तो लगी होती। टेलगेट ओपन करने के लिए सिंपली यहाँ पर हमें थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी बस, और इसमें 433 लीटर का बूट स्पेस हमें देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर ये लाइट दी गई है, इसके नीचे ये स्पेयर व्हील, और स्पेयर व्हील भी साइज में लग रहा है सेम, ये देखो R16। अच्छा ये आधा फोल्ड हो जाता है, ये अच्छी बात है भाई। बिल्ड क्वालिटी मुझे किया की काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, लो भाई ये सिस्टम बिगड़ गया, हाँ अब ठीक है। और ये पूरी फोल्ड होगी, 60-40 का कोई हिसाब किताब नहीं, पूरी फोल्ड एकदम दम। चलो इसको करता हूँ बंद, अब जान लेते हैं इसके इंजन के बारे में, उसके लिए हमको इसका बोनट खोलना होगा। बोनट खोलने के लिए यहाँ पर ये बोलेरो वाला इन्होंने लीवर दिया है। ये है किया सेल्टोस का स्मार्ट स्ट्रीम जी 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन, जो कि BSX फेस टू वाला है, 4 सिलेंडर 4 वॉल्व इंजन है। इसकी डिस्प्लेसमेंट है 1497 cc। इसके इंजन की मैक्सिमम पावर है 113.42 bhp की 6000 rpm पर, और इसका मैक्सिमम टॉर्क है 144 न्यूटन मीटर का 4500 rpm पर। मैक्सिमम पावर इसकी 6300 rpm पर है भाई, 6000 में बोल गया था इसलिए सॉरी, माफ़ी चाहूँगा। ये देखिएगा फिट एंड फिनिशिंग इसकी कुछ इस तरीके की है भाई, पेट्रोल इंजन थोड़ा सा छोटा लगता है डीजल इंजन से, ये देखिएगा फिटिंग इसकी काफ़ी अच्छी केयर के दी है कंपनी ने, एंड इसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो हैं ऊपर की तरफ रखे गए हैं, जैसे पानी वगैरह अंदर अगर जाए तो ज़्यादा नुकसान ना हो कस्टमर को। तो भाई फाइनली मैंने आपको इस कार के बारे में सब कुछ डिटेल में बता दिया है, आइए बात कर लेते हैं प्राइस, माइलेज, वारंटी, प्रोज एंड कॉन, फाइनल कंक्लूजन के साथ साथ मेरे पर्सनल ओपिनियन की। गाइस किया कंपनी अपनी इस नई कार पर 3 साल की और अनलिमिटेड किलोमीटर तक स्टैंडर्ड वारंटी देती है, जिसको आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्सटेंड भी करवा सकते हो। माइलेज की अगर बात की जाए तो भाई ये पेट्रोल वेरिएंट है, लगभग ये 17 के आसपास का माइलेज निकाल कर दे देगी, फिर डिपेंड करता है कार कंडीशन, रोड कंडीशन और आपके चलाने के भी तरीके पर। वेरिएंट्स की अगर बात की जाए तो भाई इसमें वेरिएंट्स की कोई भी कमी नहीं है, कस्टमर के साथ में जैसा पैसा वैसे फीचर्स वो ले सकता है। ऑटोमेटिक में भी आती है, IMT में भी आती है, मैनुअल में भी आती है, पेट्रोल में भी आती है, डीजल में भी आती है, और कलर भी आपको कई सारे मिल जाएंगे। इसकी एक्सोरूम स्टार्टिंग हो जाती है 10,90,000 रुपये से, और ये इसका STK प्लस वेरिएंट है, इसकी एक्सोरूम प्राइस है 14,05,000 रुपये, ऑन रोड आते आते ये आपको 16,25,000 रुपये के आसपास मिल जाएगी। प्राइस का आप केवल रफ आइडिया ही मानिएगा, क्योंकि हर स्टेट की, हर डिस्ट्रिक्ट की और हर शोरूम की जो प्राइस होती है अलग अलग होती है, आप प्लस माइनस 5-10,000 रुपये लेकर चल सकते हो। अब मैं उम्मीद करता हूँ इस कार से संबंधित आपके सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में आसान शब्दों में मिल गए होंगे। आपकी क्या राय है इस कार से संबंधित प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप किसको सेलेक्ट करोगे, क्रेटा को या सेल्टोस को, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों बस फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, फटाफट से लाइक कर दीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी सुझाव है, कमेंट करना ना भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई टेक्निकल SST यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेक्निकल SST इंस्टाग्राम एंड FB पर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ और इंपॉर्टेंट वीडियोज़, जी हाँ भाई इंपॉर्टेंट वीडियोज़ समय समय पर लाता रहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।